इग्नू डेली बिग रिक्रूटमेंट 2023। हाँ जी दोस्तों, इग्नू की तरफ से टीचर्स रिक्रूटमेंट का विज्ञापन आ गया है। बिल्कुल 100% परमानेंट गवर्नमेंट जॉब्स हैं। ऑनलाइन ही आपको आवेदन करना होगा और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया इनकी शुरू हो चुकी है। सारी जानकारी बिल्कुल विस्तार से आपके साथ हम इस वीडियो में शेयर करने जा रहे हैं। इनका डिटेल नोटिफिकेशन इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गया है और उसी के साथ साथ शॉर्ट नोटिफिकेशन आज के एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में भी पब्लिश किया गया है। इन दोनों के माध्यम से सारी जानकारी हम आपको प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। कौन कौन आवेदन कर सकता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कितनी वैकेंसियां हैं, कब से कब तक आपको अप्लाई करना होगा और कहां कैसे जाके ऑफिशियल वेबसाइट पे कहां जाके आप इनके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, सारी जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से जरूर देखिएगा और ऑल ओवर इंडिया लेवल से गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट। ये देखिए दोस्तों, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट ignu.ac.in। ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आप जरा सा नीचे आएंगे, न्यूज एंड एडवर्टाइजमेंट में आपको ये देखिए इग्नू इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर टीचिंग पोस्ट ये देखने को मिल जाएगा। आप यहां क्लिक करेंगे, उसके बाद इस तरह से ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। क्लिक हियर फॉर डिटेल्स आपको यहां क्लिक करना होगा। जैसे ही यहां क्लिक करेंगे इस तरह से पेज आपके सामने ओपन होगा। तो यहां पे आप इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये लिंक है, इस लिंक पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं इनके लिए और यहीं पे इसी लिंक में आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन में डिटेल्ड नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। जहां तक डिटेल्ड नोटिफिकेशन की बात है, ये है दोस्तों इनका डिटेल्ड नोटिफिकेशन, शॉर्ट नोटिफिकेशन जो कि आज के एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में पब्लिश किया गया है, उसके माध्यम से हम बाकी की जानकारी देख लेते हैं। ये देखिए 7 से 13 जनवरी 2023 का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर है। तो यहां आप देखेंगे ये नेम ऑफ द स्कूल है और ये सब्जेक्ट है और ये वैकेंसी है प्रोफेसर की, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की। ये पे स्केल इनका दे दिया गया है। स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज में इंग्लिश की एक है, उर्दू की एक पोस्ट है प्रोफेसर की, एसोसिएट प्रोफेसर इंग्लिश की एक, उर्दू की एक पोस्ट यहां आई हुई है। उर्दू की दो है, एक एससी के लिए एक ओबीसी के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की नहीं है। स्कूल ऑफ सोशल साइंस में एंथ्रोपोलॉजी की एक है, हिस्ट्री की एक, साइकोलॉजी की एक, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एक और सोशोलॉजी की एक पोस्ट है प्रोफेसर की। जहां तक असिस्टेंट प्रोफेसर की बात है, एंथ्रोपोलॉजी की एक है, हिस्ट्री की एक है, पॉलिटिकल साइंस की एक है। असिस्टेंट प्रोफेसर में लाइब्रेरी साइंस की एक, पॉलिटिकल साइंस की एक और साइकोलॉजी की एक पोस्ट है। स्कूल ऑफ साइंस में प्रोफेसर की बायोकेमिस्ट्री एक है, केमिस्ट्री एक, मैथमेटिक्स एक, स्टैटिक्स की एक पोस्ट है। असिस्टेंट प्रोफेसर की, एसोसिएट प्रोफेसर की बायोकेमिस्ट्री की एक है, मैथ की एक है, असिस्टेंट प्रोफेसर की केमिस्ट्री की एक, जियोलॉजी की एक और साइंस की दो, लाइफ साइंसेज की दो वैकेंसियां हैं। स्कूल ऑफ एजुकेशन में एक प्रोफेसर की है अनरिजर्व्ड और एक असिस्टेंट प्रोफेसर की है ओबीसी के लिए। स्कूल ऑफ काउंटिंग एजुकेशन में चाइल्ड डेवलपमेंट की एक, होम साइंस एक, न्यूट्रिशनल साइंस की एक, ये प्रोफेसर की है। एसोसिएट प्रोफेसर की चाइल्ड डेवलपमेंट की एक, न्यूट्रिशन साइंस की दो है, होम साइंस की एक है, ये स्पेशलाइजेशन है होम साइंस में। और असिस्टेंट प्रोफेसर रूरल डेवलपमेंट में दो वैकेंसियां हैं। इसके बाद स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज कॉमर्स की एक है, मैनेजमेंट की तीन वैकेंसियां हैं प्रोफेसर की, एसोसिएट प्रोफेसर मैनेजमेंट की एक है और असिस्टेंट प्रोफेसर मैनेजमेंट की भी एक पोस्ट आई हुई है। इसके बाद स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज में प्रोफेसर होम साइंस की एक, नर्सिंग की एक, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस की एक, नर्सिंग की एक और हेल्थ साइंस में एक असिस्टेंट प्रोफेसर की है। स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंस में सिर्फ एक वैकेंसी है असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर की कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज में। स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर में सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर की एक वैकेंसी आई हुई है फूड साइंस टेक्नोलॉजी में। स्कूल ऑफ टूरिज्म हॉस्पिटलिटी सर्विस सेक्टरल मैनेजमेंट में टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी सर्विस में एक प्रोफेसर की, एक एसोसिएट प्रोफेसर की। स्कूल ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी ट्रांसडिसिप्लिनरी स्टडीज में एनवायरमेंटल स्टडीज की एक प्रोफेसर की और एक वैकेंसी एसोसिएट प्रोफेसर की और यहां दो वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर की हैं। स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेज में एक वैकेंसी है प्रोफेसर की, स्पेशलाइजेशन अरेबिक, फ्रांस, रशियन और स्पेनिश में। एक एसोसिएट प्रोफेसर, दो एसोसिएट प्रोफेसर की है, स्पेशलाइजेशन अरेबिक, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश में। स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज एंड ट्रेनिंग में एक वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर की, ट्रांसलेशन स्टडीज एंड ट्रेनिंग, ये ओबीसी के लिए है। तो दोस्तों, पदों का विवरण बिल्कुल विस्तार से मैंने आपको बता दिया है। 31 जनवरी 2023 तक आप इनके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट भी मैंने आपको दिखाई थी, प्रोफेसर, एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफिकेशन एज पर यूजीसी रूल्स रेगुलेशन 2018 के अकॉर्डिंग आपकी होनी चाहिए।
तो मैं एक बार शॉर्ट में आपको बता देता हूं। प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए तो आपका पीएचडी होना आवश्यक है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर आपका नेट क्लियर है पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद तो आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी पीएचडी वाले असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्वालिफिकेशन है, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है। तो ठीक है दोस्तों, यही जानकारी आप तक पहुंचानी थी वीडियो के माध्यम से। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।